मुझे पता था तुम मेरे बिना नहीं रह सकती। मैं जानता हूं मैंने तुम्हारे साथ बहुत रूडली बिहेव किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, नहीं जी सकता। क्यों चली गई थी तुम मुझे छोड़कर? पता है तुम्हें मेरा क्या हाल हुआ? कैसे जीऊं मैं तुम्हारे बिना? जी कोई जवाब है तुम्हारे? जी 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 तुम किससे बात कर रहे हो? ये तुम किससे बात कर रहे हो? किससे बात कर रहे हो तुम जी? तुम्हें हो क्या गया है? जीत, ये तुम मेरे साथ दूसरी बार कर रहे हो। हेरो जीत, तुम ऐसे मेरी बेइज्जती करके नहीं जा सकते। आज तुम्हें मेरे हर एक सवाल का जवाब देना होगा। बताओ जीत, तुम किससे बात कर रहे थे? बताओ मुझे, ऐसा क्या है उस लड़की में जो मुझ में नहीं है? बताओ जीत, तुमने मुझसे शादी अपनी मर्जी से की थी ना, तो फिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव करते हो? नहीं बताओगे? लुक जीत, आई रिफ्यूज टू बी ट्रीटेड लाइक दिस। बताओ मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या है तुम्हारी प्रॉब्लम मिस्टर जीत खुराना? अपनी मर्जी से शादी करके तुम मेरी जिंदगी तबाह करने चले हो? टेल मी जीत, व्हाई? व्हाई जीत, व्हाई? बिकॉज़ आई डोंट लव यू। मैं तुमसे नहीं प्यार करता, इसलिए मैं किसी और से प्यार करता, समझी तुम? नाउ यू आर हैप्पी? You don't love me, जीत? अगर तुमने ये बात बताई दी है जीत, तो मुझे इतना भी बता दो कि उस लड़की का नाम क्या है। इतना जानने का तो हक बनता है ना मेरा जीत? ऐसा क्या है उस लड़की में कि अपनी शादी के बाद भी तुम उसके साथ इतने वफादार हो कि अपनी पत्नी के साथ लगातार बेवफाई किए जा रहे हो तुम? अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, बहुत आगे, और आज मैं तुम्हें अपने सवालों का जवाब जाने बगैर नहीं जाने दूंगी। अच्छा, तो तुम सच सुनने बगैर मुझे नहीं छोड़ोगी? तो सुनो, सच क्या है? सच्चाई ये है कि मैं तुमसे नहीं प्यार करता। Excuse me, क्या आप ये सामान गाड़ी में रखवा देंगे प्लीज? चरणजीत, लेकिन तुम इस तरह अचानक इतनी जल्दी वापस क्यों जाना चाहती हो? मुझे आज ही वापस जाना है, अभी और इसी वक्त। चेरी, लेकिन इस तरह से अचानक इतनी जल्दी, अगर आप लोगों को इधर रहना है तो आप लोग शौक से रह सकते हैं, लेकिन मैं अभी ही वापस जाऊंगी। अब जब ये लोग जा रहे हैं तो हम लोग भी चलते हैं। ये लो, तुम्हारा फेवरेट ड्रेस, तुम्हारे फेवरेट कलम है। माही, ये तो उससे भी अच्छा है
जैसे मुझे चाहिए था. थैंक यू सो मच, यू आर अ बिग डार्लिंग. मेरी झूठी तारीफें करना बंद करो और बताओ तुमने दवा ली या नहीं. ओ, तो मैं भूल गई. भूल गई? कैसे भूल गई? तुम जानती हो ना दवा लेना तुम्हारे लिए कितना जरूरी है. चलो अब भी मेरे साथ चलो और दवा. माही डोंट वरी, मुझे पता है मैं जाके दवा ले लूंगी. अब मैं इतनी अच्छी हो गई कि मैं अपनी दवाई खुद ले सकती हूँ. इतनी अच्छी हो गई हो तो अपनी दवा लेना कैसे भूल गई? इस ड्रेस के चक्कर में. अच्छा पता है पता है, मैं अभी जाके दवाई ले लूंगी. पता नहीं तुम इतने सारे मोचे अकेले कैसे संभाल लेती हो. थैंक यू. स्पंज बाथ के लिए पानी गर्म करके ले आती हूँ. अरे मुझे कहाँ होता दीदी, मैं पानी गर्म कर लेती. नहीं नहीं, साहब के लिए सूप और काम्या दीदी के लिए खिचड़ी तो मैंने बना ली है. आपको पूछने के लिए रुकी तो थी दीदी कि आपके लिए और ताई जी के लिए क्या बनाना है. तुम तो बहुत समझदार हो, हमारे लिए कोई भी सब्जी और दाल चावल पका देना. जी ठीक. बहुत सारे फूल बाहर भी रखे ना. अच्छा, और ढोल वाले को टाइम पे आने के लिए कह दिया कि नहीं? जी मालकिन, वो मैंने बोल दिया. तो जा जा, जल्दी जल्दी काम करो. जी. काम चोर ना आता. ओ मैंने कहा सोनियो, इस लोहड़ी पे बच्चे तो घर पे है नहीं, इतना धूम धड़ाका करने की क्या जरूरत है, है? वो शगुन कर लो लोहड़ी का थोड़ा सा, और क्या. नहीं ओ, मैं क्या जी, ये दुर्गा खुराना के घर की लोहड़ी है, हमेशा की तरह धूम धड़ाके से ही मनाऊंगी मैं. और फिर बड़े घर की बेटी चेरी हमारी बहू बनकर आई है, उसकी पहली लोहड़ी है, और मैं कंजूसी कर जाऊं. सोनिया आप भी बोल रहे हो कि हमारी बड़ी बहू सोनी की भी पहली लोड़ी है. सोनी और सोनी की पहली लोड़ी. ओ मैं कह जी, आपने तो मेरी बात पूरी सुनी ही नहीं है. हो सकते हमारे बच्चों को लोड़ी याद आ जाए और वो वक्त से पहले अपना हनीमून खत्म करके जल्दी वापस लौट आए, तो कम से कम मुझे पूरी तैयारी तो करके रखनी चाहिए कि नहीं. कमाल ही हो गया है. मैं जानती थी कि मेरे बच्चे ना घर की लोहड़ी को कभी नहीं भूलेंगे. मन गई तो मन गए. हाँ बच्चों. जिंदा रहो, जिंदा रहो, जिंदा रहो पुत्र. जिंदा रहो, खुश रहो. जिंदा रहो पुत्र, खुश रहो. जीते रहो पुत्र. अब बता तेरा हनीमून कैसा रहा? क्या क्या देखा तूने गोवा में? जीते इसे क्या हुआ? कुछ नहीं मामा, शायद वो थक गई होगी. मैं जाकर देखता हूं. ए सोनी इत्या,
जी मम्मी जी। तेरा हनीमून खत्म हो गया ना, तो जाके किचन संभाल महारानी जी। लोड़ी का इतना सारा काम बाकी पड़ा है, मैं अकेले करूंगी, जा। ठीक है। लगता है जैसा मैंने सोचा था, जैसा मैंने चाहा था, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। जी शर्मा जी। नहीं शर्मा जी, कोई बहाना नहीं चलेगा। शाम को लोड़ी के जश्न पे आपको हमारे घर आना ही होगा। और हाँ, भाभी जी और बच्चों को भी लाइएगा। बाय। ओए पुत्र, तू अपने दोस्तों को फोन कर रहा है लोड़ी के लिए? वो माई है ना, घर वापस लौट आई है। उसे फोन करके कह दे, वो आ जाएगी लोड़ी पे। बेचारा शब्द तो अभी तक कहने और सुनने के लायक नहीं हुआ पुत्र। माई वापस आ गई है, लेकिन कब? वो तो उसी दिन वापस आ गई थी पुत्र, जिस दिन तुम लोग हनीमून के लिए गए थे। वो तो कह रही थी कि मैं खुद फोन करूंगी तुम्हें, फोन नहीं आया उसका। हाँ मामा, वहां नेटवर्क का प्रॉब्लम था, लेकिन सोनी को माही के बारे में पता चलेगा तो कितनी खुश हो जाएगी ना। वो है का? पता नहीं पुत्र, मुझे अभी तक सोनी से बात करने का टाइम नहीं मिला ना, और फिर वहां तो तुम लोग का तो फोन ही नहीं लगता था। एक बात बता पुत्र, जब से वो हनीमून से आई है हमेशा परेशान सी क्यों रहती है वो? जीत और चरणजीत की परेशानी को लेकर मामा, और क्या? ले, इसमें उसे परेशान होने की क्या जरूरत है? हाँ, पति पत्नी के रिश्ते के बीच में टांग अड़ानी ही नहीं चाहिए। सच बात तो ये है पुत्र, पति पत्नी को ना अपना मामला ना खुद ही सुलझाना चाहिए। हाँ, अगर हेल्प मांगे तो जरूर उनकी हेल्प करनी चाहिए, वरना देख के ना नजरअंदाज कर देना चाहिए। और सोनी बेचारी को पता नहीं क्या टेंशन है जीत और चेरी की परेशानी से पुत्र। मैं तो तेरे साथ बातें करने बैठ गई, ढेर सारा काम पड़ा घर में। तो वैसे बिहेव क्यों कर रही हो? सब लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि बात क्या है। चेरी, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। तो जाकर बताओ क्यों नहीं देते उन्हें कि बात क्या है? देखो चेरी, जो बात हुई है वो हम दोनों के बीच में हुई। फैमिली के सामने ड्रामा क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं, समझी? तो ड्रामा मैं क्रिएट कर रही हूं तो बताओ ना जी कि एक पत्नी को क्या करना चाहिए जब उसे ये पता चल जाए जो मुझे पता चला तुम्हारे बारे में। बताओ, अब चुप क्यों हो? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। और क्या तुम वही बात को लेकर बैठी हुई हो? पहले तुम मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि सच बताओ, और जब मैंने तुम्हें सब कुछ सच बता दिया तो तुम ऐसे बिहेव कर रही हो। मम्मा, सब ये सब हो क्या रहा है? पहले चेरी गई और उसके पीछे पीछे सोनी, सब ठीक तो है ना मम्मा? पुत्र, वही जाने की तो मैं कोशिश कर रही हूँ। तू एक काम करना, तू जरा इनके पीछे जाकर देखना क्या हो रहा है। मैं अभी देख के आती हूँ मम्मा। मेरा दिल गवाही दे रहा है कि आज शाम इस घर में कुछ ना कुछ तो होकर ही रहेगा। सोने की बच्ची की लगाम खींचने का मुहूर्त आज आखिर आ ही गया।